बांग्लादेश में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन पड़ोसी होने के चलते बेशक सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने की आशंका है। यही वजह है कि भारत ने पूर्वी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। उधर नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती शांति और स्थिरता बहाल करने की है। हालांकि बीते कुछ समय में भारत के कई पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ी है। भारत के लिए यह गंभीर चिंता की बात दो कारणों से है। एक तो वहां भारत विरोधी ताकतें खड़ी हो रही हैं और दूसरा चीन भी वहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार में किसी न किसी तरीके से चीन का दखल बढ़ा है। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे पड़ोसियों के साथ हमें सभी सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद रखनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन जैन और जागरण एक्सप्लेनर में आज बात पड़ोसी देशों की अस्थिरता से भारत की बढ़ती मुश्किलों की। भारत जिन देशों से घिरा हुआ है, हाल फिलहाल में उनमें सबसे अच्छे संबंध बांग्लादेश से ही थे, लेकिन वहां का नया घटनाक्रम चिंता बढ़ाने वाला है। दूसरे पड़ोसी देशों को देखें तो मालदीव में चीन समर्थक सरकार है, म्यांमार में सैनिक शासन है जो चीन का समर्थक है, नेपाल में हाल ही में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं जिनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है, नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र और 100 रुपए के नोट पर छपे नक्शे में लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। इन दोनों जगहों के अलावा काला पानी को भी नेपाल के भूभाग के तौर पर दिखाया गया था। ये तीनों जगह भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके अलावा श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट चीन के काबू में है। चीन भूटान में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन और पाकिस्तान तो पहले से ही भारत के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके साथ कई युद्ध तक हो चुके हैं। बीते कुछ समय में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, म्यांमार में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत के लिए स्थिति और विकट हो गई। बांग्लादेश में तो हालात बहुत तेजी से बदले। सिर्फ 5 हफ्ते में प्रदर्शन और हिंसा इतनी बड़ी कि चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ गया। अब कई कट्टरपंथी संगठन इस हालात का फायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका सबूत अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से मिलता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी ने दैनिक जागरण को बताया कि बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारत के सुरक्षा समीकरण पूरी तरह से डगमगा गए हैं। वहां जो हालात बने वे सिर्फ छात्रों के आंदोलन से पैदा नहीं हो सकते थे, इसके पीछे कई विदेशी ताकतों का हाथ है। इस पूरे उथल पुथल में पाकिस्तान के दूतावास में मौजूद सैन्य अधिकारियों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। शेख हसीना की सरकार की नीतियों से अमेरिका भी खुश नहीं था।